नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 12 नवंबर 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि, सूर्य बुध और मंगल तुला राशि, केतु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, बृहस्पति और शनि मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के हो चुके हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम, आर्थिक मामले सुलझेंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं आय के। शिव जी को प्रणाम करते रहिए और अच्छा होगा। वृषभ राशि, राजनीतिक लाभ, कोर्ट कचहरी में विजय, शासन सत्ता पक्ष का साथ, स्वास्थ्य पहले से बेहतर और प्रेम व्यवसाय की स्थिति भी काफी अच्छी। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, जोखिम से उबर चुके हैं, भाग्यवश भी कुछ काम बनेंगे आपके, यात्रा में लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है। काली जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, परिस्थितियां प्रतिकूल है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करिए। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम व्यापार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, जीवन आनंदमय गुजरेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा समय, लेकिन बहुत खराब स्थिति नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर, रोजी रोजगार में तरक्की कर रहे हैं, बस भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा और प्रेम में तू तू में संभव है, बच्चों के सेहत पे ध्यान दीजिए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहे और जलाभिषेक करेंगे तो और अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, भूम भवन की खरीदारी संभव है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है, बस सरकारी तंत्र से कोई पंगा मत लीजिएगा, सूर्य को जल देते रहे। धनुराशि, स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, रोजी रोजगार में तरक्की कर रहे हैं, व्यावसायिक लाभ दिख रहा है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है, नीली वस्तु का दान करें। मकर राशि, स्वास्थ्य सुधार की तरफ, प्रेम की स्थिति काफी अच्छी, थोड़ी दूरी जरूर रहेगी लेकिन प्रेम बना रहेगा, संतान के साथ भी ऐसा ही है, व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक है। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पहले से बेहतर और प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी, समाज में सराहे जाएंगे, एक बड़ी अच्छा, बहुत बढ़िया एक ऑरा बन रहा है आपका, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपका कद बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। मीन राशि, थोड़ी मन चिंतित रहेगा, चिंताकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, खर्च को लेकर के मन परेशान रहेगा, व्यवसायिक स्थिति थोड़ी मध्यम दिख रही है, प्रेम में थोड़ी दूरी, संतान में थोड़ी दूरी, एक दो दिन की बात है, फिर बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। भोलेनाथ को प्रणाम करते रहे, उनका जलाभिषेक करें और अच्छा। नमस्कार।